अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू साद अली ब्लॉग्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और ठीक हो ना। ठीक हो तो हम ब्लॉग्स लोअर से हम गाड़ी ले आए हैं और उसके बाद मैं बहुत बिजी हो गया था। गाड़ी को मेंटेनेंस करवा रहा था, उसकी रिपेयरिंग कर रहा था, कुछ घर के छोटे मोटे काम थे वो कर रहा था, जिस वजह से ब्लॉग्स हम नहीं डाल सके। अली भी ज़्यादा मेरा वेट करता रहा था तो हम ब्लॉग्स नहीं बना सके। तो इंशाल्लाह हम आज से ब्लॉग्स शुरू कर रहे हैं दोबारा और आज बहुत मज़ा आने वाला है। आज हमारे ब्लॉग्स में कुछ ज़बरदस्त किस्म की एंट्री होने वाली है। उस एंट्री को आपने बहुत सपोर्ट करना है, वीडियोज़ को लाइक करना है और कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करने हैं और बेल आइकन को दबा ही देना है लाजमी। ठीक है, तो आज बहुत मजा आने वाला है इंशाल्लाह, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा इंशाल्लाह। ओके क्या कर लियो, ये कर रहा है? ठहर जाओ जरा, मैं आता हूँ। ठहर जाओ, भी आता हूँ। क्या कर रहे हो जी? छाई कर रहे हो आप? छाई छाई करो जी। गाड़ी फंस गई है? किधर फंस गई है? कितने बज गई है? क्या कर रहे हो? ओ अब खराब हो गई भाई। और क्या निकाल रहे हो अरुषि? क्या गया है? क्या कितने बज गया? कौन? देखो क्या हो गया इशारा, हो टूट जाएगी। रुचे क्या कर रही हो अब? अरुषि सॉरी, देखो आपने खराब कर दी गाड़ी। हाँ अभी लगना था इतनी जोर से। दादू आ गई, दादू ठहर जाओ जरा, दादू आ रही है। ये क्या, देखो कितनी धूप है। चलो अंदर आ जाओ, अंदर चले ऋषि, अंदर चले, धूप आ गई बहुत ज्यादा। ओप तेरा फला दे, इतनी ज्यादा धूप है। ये क्या कर रही हो आप? सारी गाड़ी खराब कर दी भाई। ये ऋषि की गाड़ी तो नहीं है? किसकी गाड़ी है जी? गाड़ी किसने की है खराब, मुझे बताओ? किसने किसने खराब की है? किसने किसने खराब की है? सही हो गया। किसने खराब किया बताओ जरा? क्या क्या देखो, नहीं देखना, मैंने नहीं देखना। क्या लिख रही हो अब? मुझे बना रहे हो आप? ओके भाई हसन, क्या हुआ है? क्या हुआ है? गाड़ी फंसी है? कैसे हो गया? सही हो गया, ऊपर उठ गया भाई। आप ही को लगी भाई, ला दादू आ गई, दादू आ गई, दादू आ गई। दादू ने छीन लिया, दादू ने छीन लिया सारा, टूट जाएगा, टूट गया, टूट जाएगा। गली फंसी है जी, किधर चले भाई? धूप है इतनी ज्यादा। मैं जा रहा हूँ, बाय बाय। मैं जा रहा हूँ, बाय बाय बाय। ऋषि क्या कर रही हो आप? ऋषि लिख रही हो? देखो भैया क्या कर रहा है, भैया की मैं ट्राई कर दूं? नहीं भैया की ट्राई करता हूं, ठहर जाओ जरा। उई ये क्या भैया, ठहर जा तू, ठहर जा। उई चूचू, उई चूचू आ गया, देखो चूचू आ गया। देखिए हमने मुर्गी, मुर्गियां भी रखी हुई है दो तीन,
हसन देखो जुजू आ गए। आई गंदा, आई इतनी स्मेल, आई 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 आई। चलो शॉप करो, सारे मिलके शॉप करो, जल्दी जल्दी से शॉप करो। आई जी क्या भज गया है, क्या भज गया? चलें अरुषि नीचे, क्या फंस गया? बिया क्या कह रहा है? नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। छोड़ो 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 मुझे, छोड़ दो। चुचू को मारे, चुचू चुचू देखो, चुचू पाती कर रहा है गंदी। देखो स्मेल आ रही है, आई चुचू पाती, ये देखो आई आई। चुचू को गोद साफ करे, जल्दी पानी पिए। चुचू पानी, हेलो हेलो, क्या करो साफ कर रहे हो? ऐसे टूट जाएगा। दादू आ गई, दादू आ गई, ठहर जा जरा, दादू आ गई भाई, दादू आ गई। चलो मैं जा रहा हूँ गाड़ी में, जाऊँ मैं? नहीं जा रहा हूँ मैं, नहीं कहाँ, मैं जा रहा हूँ, बाय बाय, मैं जा रहा हूँ, नहीं मैं जा रहा हूँ, मैं जाऊँ जी? किधर आ जो, गाली फंस गई है, क्या फंस गई है? नहीं बची, नहीं बची। चलो मैं जा रहा हूँ, बाय बाय, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। जी जी मुझे दीजो, मुझे दी जी जी, किधर आ जाओ, किधर जाओ, मुझे जाओ। गाड़ी क्या फंस गई है? कहाँ कहाँ बोलती हूँ, अब कहाँ बोलती हूँ, कहाँ बोलती हूँ जी? पाती कर दी है, चूचू ने पाती कर दी। आई आई गंजा, स्मेल आ रही है, आई आई गंजा, आई ऋषे ऋषे देखो बिया क्या कह रहा है। आई गंदा, ओ पाई आई गंदी, ओ दादू आ गई, दादू आ गई, दादू आ गई। मामा बुला रही है आपको, चलो भाई मामा, मामा जा रही, बाय बाय। मामा कहती है बाय बाय, हम जा ले, बाय बाय जब बाय जी। कहाँ किधर आ जाओ, कहाँ कह रहे हो, किधर है? कोई भी नहीं है, सही है, किधर है, क्या है, किधर है, कोई भी नहीं। चलो मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, बाय बाय, अल्लाह हाफिज। कहाँ कहाँ, चलो आ जाओ, हम जा रहे हैं, देखो आप ही आ गई जी। चुचू पाती कर रही है जी, आए गंजा, आए आए, फ्लाई आ गई, फ्लाई आ गई, बाबा आ गए। ओए चाचू को दे दो, चाचू काम कर ले। ये देखो, हेलो बोलो, ये देखो हेलो, ये देखो आप ही देख रही है आपको, आप ही देख रही है, देखो पुप्पो देख रही है, पुप्पो पुप्पो देख रही है आपको, देखो भाई। मुझे दे दो, मैं जा रहा हूँ फिर, बाय बाय, मैं जा रहा हूँ, जा रहा हूँ, बाय बाय बाय। बाय बाय, चलो आ जाओ, चले चले आ जाओ, मैं जा रहा हूँ, आओ मैं जी, बाय बाय। ये देखिए कपड़े चेंज करके आया है, क्या हुआ, इधर तो आओ। पापा कहाँ गए, पापा कहाँ गए आपके?
ठहर जा जरा तू, ठहर जा। ओए 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 नो 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 चूतिया और चूतिया हसन इधर देखा चाचू की तरफ टूट जाएगा चाचू टूट जाएगा ठहर जा जरा तू ठहर मैं जा रहा हूँ बाय बाय ऋषि आपने कपड़े बदल लिए हैं नो निकाली है मजा आ रहा है कितनी प्यारी लग रही है भाई इतना प्यारा बेबी हेलो कह दो हेलो क्या हाल है आपका बिया क्यों बिया देखें हर बंदा मसरूफ है अपनी लाइफ में ये देखें मोबाइल बच्चे बच्चे ने पकड़ा हुआ है ये देखें क्या देख रही हो जब पड़ा बीबी कहा देखती है क्या देख रही है क्या ये वाली क्या झूला देख रही हो ऊपर देखो तब पाला बीबी लग रहा है चीज लेने चले है इतनी जल्दी भाई इतनी ज्यादा धूप है इतनी ज्यादा है नहीं अभी नहीं जाना शाम को जाएंगे शाम को जाएंगे अभी नहीं मैंने भी चीजें खानी है रोजा मेला मेरा लो जाना फिर मैं जिथे मुझे पेन होगा कुत्ते ओके अभी चलें चलो चलें चलो चलें बाय बाय ये देखें मुझे बार बार कह रही है चीजी ला दो चाचू चीजी ला दो मैं कहा रोजा है तारीख के बाद जाएंगे कहती मैं गुच्छा हो जाऊंगी क्या हो जाऊंगी आप चीज ला दूंगा गुच्छा हो जाओगी अगर मैं नहीं ला के दूंगा तो गुच्छा हो जाओगी आप फिर हम क्या करें खिलौना भी लेना है नहीं अब लेना सुबह जाएंगे अभी सुबह सुबह चलो चले चलो चले चलो तो अब चलते हैं रिश्ते को चीज ला देते हैं छोटी सी चिंटो कैंडी के साथ ना प्यार है चले चलो चलो भाई क्या देखो भाई इतनी धूप है रिश्ते रहन दो बाद में चलेंगे धूप है धूप है शाम को जाएंगे शाम को जाएंगे इतनी धूप है देखें ओए हाय गर्मी हम क्या लेने आए चिकन नहीं चलो ऋषि चलें ओके चाचू जी मैं क्या बोलूंगी आप बोलो मैं वीडियो बना रही हूँ ले लो क्या ले रही हो ले लो चीजी चलो अस्सलाम वालेकुम चीजी तो ले लो चीजी आपकी जी उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मजा मस्ती में होंगे लेकिन यह है कि यहाँ पर गर्मी है काफ़ी ज़्यादा मैंने रोज़ा भी रखा हुआ है शवाल का दो तीन रोज़ रह गए थे मेरे तो आज मेरा सेकंड लास्ट है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि मैं हर साल शवाल के रोज़े भी रखता हूँ जो कि सुन्नत है और आप सब भी रखा करें बहुत फ़ायदे हैं ये हमारे लिए एक पैकेज है तो रमज़ान भी एक पैकेज है नेकियों का गुनाहों से बचाने का अपने नफ्स को पाक करने का तो यह कि आज हम कुछ मज़े का आपको ये बताने लगे हैं कि आज से जो है ना वो अम्मी भी हमारी व्लॉगी में शामिल होंगी अम्मी मुझे डांट रही है नहीं नहीं लेकिन आज से अम्मी भी हमारी व्लॉगी में शामिल होंगी और मैं आपको लेके चल रहा हूँ उनकी तरफ देखते हैं अम्मा जी क्या कहती हैं आओ जरा 1 2 3 गो अस्सलाम वालेकुम मामा जी क्या हाल है आपका मामा जी हम आपको उस्ताद जी कहते हैं पता है आपको आप हमारे उस्ताद हैं आप भी ने हमें पढ़ाया है
ऐसे ही है ना माँ की पहली गोद ही दस्तगार थी ऐसे ही है बेशक माँ की गोद होती है बेशक अच्छा मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अम्मी को ना मैं उस्ताद जी भी कहता हूँ हम फ्रेंड्स भी आपस में एक दूसरे को उस्ताद जी कहते हैं लेकिन मैं अम्मी को भी उस्ताद जी कहता हूँ क्योंकि अम्मी ना टीचर थी और स्कूल टीचर थी तो अम्मी और मेरे दादा थे वो भी टीचर थे और आगे से ये है कि उन्होंने अम्मी जिस पढ़ाया वो मैं जानता हूँ कुछ भी हो जाए पढ़ाई नहीं छोड़नी कुछ भी हो जाए पढ़ना जरूरी है अम्मी जो है ना वो बहुत सख्त किस्म का अम्मी मुझे पढ़ाती थी लेकिन इतना भी नहीं लेकिन माँ तो माँ है वो पढ़ाई के टाइम नहीं कुछ देखती उनके असूल और डिसिप्लिन बहुत ज़बरदस्त किस्म के हैं तो शायद वो डिसिप्लिन वगैरह उन्होंने ही हमें एक बड़ा अच्छा बना के रखा हुआ कि हम कैसे हैं दीन में भी और दुनिया में भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ताला हम सबको अपनी जो है ना माँ बाप के साए तले रखे आमीन जमीन तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अम्मी जो है ना अम्मी को मैं उस्ताद जी भी कहता हूँ क्यों क्योंकि अम्मी टीचर है तो इसलिए मैं अम्मी को उस्ताद जी भी कहता हूँ उस्ताद जी जी अम्मी आप व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे मैं यही कहूँगी मिल के रहो खुश रहो एक दूसरे से प्यार मोहब्बत करो इसी में इंसान की वो जो होते हैं तो आराम राहत इसी में होती है पुरसकून ज़िंदगी ऐसे ही गुजरती है तो ये नफ़रतें ख़त्म करो नेगेटिविटी जो है वो ख़त्म करो ये नहीं अच्छी चीज़ होती ये तो इंसान का चेहरा मसक कर देती है नेगेटिविटी तो ये है प्यार मोहब्बत जितना होगा उतना ही अच्छा माहौल होगा माशरा खुशगवार हो जाएगा हमारा दुनिया से ये ख़त्म हो जाएगी ये बातें आपस में मिल के रहेंगे मिल के बैठेंगे मिल के खाएंगे ये चीज़ यही मैं कहूँगी अपने व्यूअर से और ये अम्मा जी जो है ना हमारी ये माता दी हैं उस्ताद जी मैं आपकी जो टीचिंग स्किल्स है ना मैं चाहता हूँ कि वो लोगों तक पहुँचे क्योंकि मुझे एक एक चीज़ याद है आपकी कि आप कैसे कैसे मुझे पढ़ाती थी आप कैसे कैसे मुझे डांटती थी जब मैं बैट बॉल खेल रहा होता था मुझे कैसे मकान पड़े मैं आगे होता था अम्मी पीछे पीछे भागी होती थी मेरे मुझे आज भी याद है अम्मी कैसे कान पकड़ के मुझे लेके जाती थी पढ़ने का शौक नहीं था बिल्कुल शौक नहीं था लेकिन जब पढ़ाई का भी शौक आया तब एक माँ ने पूछा कि वो पढ़ना है कि नहीं पढ़ना मैंने कहा कि नहीं माँ ने पकड़ के मिटाई की मेरी याद है मुझे याद है एक बार ऐसा हुआ कि मैं आई थिंक 3 क्लास में था मुझे अभी भी याद है तो अम्मी ने मुझे कहा मैं ना स्कूल ही था जा रहा मैंने कहा नहीं मम्मी मैंने कहा अम्मी मैंने नहीं जाना स्कूल तो अम्मी कहते क्यों नहीं जाना दस मैंने कहा अम्मी मैंने मैच खेलना है मेरी मैच है ये है वो है टेबल का मैच उसका तो हम गली स्ट्रीट क्रिकेट बहुत ज़्यादा होती थी तो अम्मी ने कहा नहीं तू जाएगा मैं कभी बाथरूम में छुप रहा हूँ कभी दूसरे कमरे में छुप रहा हूँ घूम रहा हूँ अम्मी को घुमा रहा हूँ बहुत घुमाया आपके भाई ने आपके भाई ने अम्मी को बहुत घुमाया तो उसके बाद ना फिर क्या हुआ अम्मी कहती हैं आज तू फाइनल कर दे जूती पकड़ी याद में बड़ा आला सीन था जबरदस्त कहती है आज मैंने 10 दे तू पढ़ना है कि नहीं पढ़ना तो मेरे दिल में ना ये आया कि यार बाकी आज फैसला होने वाला मैं कहा ठीक है मैं नहीं पढ़ना उसके बाद जूतियां पड़ी अम्मी याद है आपको हाँ याद है उसके बाद बहुत जूतियां पड़ी मुझे वो आपके मामू की बात भी याद आ रही क्या आपके मामू ने दिल नहीं ना करता सर वो कहते थे अम्मा आज मुझे बकरी कहती है कि आज स्कूल नहीं जाना तुम अच्छा वो कहते बकरी कह रही है मैंने स्कूल नहीं जाना आज स्कूल नहीं जाना तुम वाह क्या बात प्यारे प्यारे बहाने लगा के ना तो काटता होता था सही है हाँ ऐसे ही है जब हम छोटे होते थे ना बड़े बहाने लगाते पेट में दर्द होगी कोई प्याज रख रहा है कभी कुछ कर रहा है बड़े बड़े बहाने लोग करते थे हम भी करते थे लेकिन स्कूल नहीं जाना लेकिन अब पता लगता है स्कूल बहुत जरूरी है क्या चीज स्कूल बहुत जरूरी है आज पता लगता है पढ़ाई के बगैर इंसान बेकार है उसमें ना ब्रेन स्टॉर्मिंग कुछ नहीं है उसकी मेंटल डेवलपमेंट ग्रोथ कुछ भी नहीं है उसके अंदर वो सिर्फ बात को पिक करेगा और नेगेटिव करेगा और बात को बोलेगा वो भी नेगेटिव करेगा तो ये चीज है बाकी अल्लाह ताला की तरफ से भी है अल्लाह ताला जिसको नसीब में दे कुछ लोग पढ़ कर भी जो है ना वो मामला उनका नहीं बनता उस तरह का जो एक अच्छे लाख वाला या जो भी होता है तो ये अल्लाह ताला की तरफ से है जिसको तौफीक दे हमें दुआ करनी चाहिए इल्म से इंसान सीखता है इल्म का मतलब ये जानना तो ये होता है कि जाते हैं स्कूल तो टीचर बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं बच्चों को जो नहीं पता था घर में ही नहीं पता था बात है तो बात ऐसी होते हैं घर में
लेकिन स्कूल में जाते हैं तो फिर नई नई बातें सीखते हैं, बच्चों से सीखते हैं, उस्ताद सिखाता है, इसका करके इंसान में काफ़ी फिर वो शोर आ जाता है, समझ आ जाता है। वो एनवायरनमेंट भी है ना, वहाँ पर स्कूल का जो एनवायरनमेंट है, जैसे टीचर्स होते हैं, काफ़ी टीचर्स भी हैं और वहाँ पर ये है कि अच्छे अच्छे टीचर्स भी हैं, बाकी सब तो टाइम पास के लिए आ जाते हैं, बच्चा ये पढ़ो, याद करो, रटा मारो, जाओ घर, ठीक है, वो काम करते हैं। लेकिन अच्छे टीचर जो है हलाल वाले टीचर हैं, जो अपने आप को चलाते हैं कि बच्चों को पढ़ाना है, वो अपना इल्म दूसरों में मुंतकिल करते हैं, वो अपना ना एक चिराग सो चिराग रोशन करता है। हाँ जी ऐसी है, ये मिसाल होती है, एक चिराग सो रोशन करता है, सो चिरागों को रोशन करता है, ठीक है, यही है। तो व्यूअर्स मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अम्मी जो है ना, अम्मी ने मुझे, मैं ट्यूशन का मुझे मजा नहीं था आता, मैंने फिजिक्स पढ़ी होगी या फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथ, ये तीन सब्जेक्ट मैं पढ़ता था, और वो भी दो महीने मैंने ट्यूशन या अकेडमी मैंने पढ़ी थी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में एफ एस की प्री इंजीनियरिंग में, लेकिन उसके बाद मुझे कुछ मज़ा नहीं, कुछ समझ नहीं, तो अम्मी ही मुझे सारा पढ़ाती थी, हालांकि अम्मी को ना केमिस्ट्री आती थी ना फिजिक्स आती थी, मगर अम्मा जो एग्जाम्पल्स देती थी ना, ओए ओए क्या बात शादी क्या बात तो वाकई अम्मी के अंदर जो टीचिंग स्किल्स है ना, लेवल है उसका, यकीन करें। तो मैं अम्मी को ना समय ना पढ़ने का भी बहुत शौक है, बुक्स रीडिंग का बहुत शौक है, उसके बाद मुझे भी शौक है बुक्स रीडिंग का, मैं बुक्स पढ़ता रहता हूँ, अब तो शायद बुक्स कम हो गई हैं, अब तो बुक्स कम हो गई हैं, अब ऑनलाइन मैं ज़्यादा स्टडी करता हूँ। दूसरे नंबर पर यह है कि कुरान पाक जो है ना, वो भी अम्मी ने मुझे पढ़ाया हुआ है, एक बार नहीं कई बार तर्जुमे के साथ भी, और वैसे भी अम्मी ने पढ़ाया हुआ है मुझे, और खुद तो ज़ाहिर है रमजान में भी वैसे भी पढ़ते रहते हैं और चलता रहता सीन सारा, रोज़ाना जो है ना ये उनकी रूटीन है, जो कुरान पाक है तो हम रोज़ाना कुरान पाक पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ाना पढ़ाती भी हैं, तो ये सुनहरी हमारा चलता है। तो इस तरह अम्मी का जो टीचिंग स्किल्स है ना, वो इसका बहुत एक लेवल है माशाल्लाह से। तो मैंने कहा ये स्किल जो है ना, मैं चाहता हूँ कि हमारे जो व्यूअर्स हैं ना वो देखें और उससे यूटिलाइजेशन होनी चाहिए, उनको उससे फ़ायदा हो उसका, और इसका ये है कि उनको भी स्वभाव है कि इलम फैल रहा है, इलम कि भाई ये चीज़ अच्छी है ये बुरी है, और इस इंसान की जो अपना एक एक्सपीरियंस है वो शो करता है कि भाई ये मेरा एक्सपीरियंस है, तो आपने ऐसी ऐसी गलतियाँ नहीं करनी, या हो सकता है उसके उस सर्कल में वो गलतियाँ नहीं होनी चाहिए अगर आप उस सर्कल में आ रहे हो। मुझे वो याद आ गया आपकी एक मिसाल है, अम्मी की एक मिसाल बहुत मशहूर है, जो अम्मी अक्सर मुझे, मैंने सीखी है अम्मी से, नेगेटिविटी के बारे में आप बात करती थी, अम्मी कहती थी अगर कोई बात, कोई टांट करे, कोई पत्थर मारे, लड़ाई झगड़ा करे ना, तो उसको ना मतलब आपको कांटा फेंक रहा होगा, तो आप ना ये है कि आपने उसके बदले में कांटा नहीं फेंकना, क्योंकि अगर आप कांटे फेंकोगे ना, वो तो इंसान है ही वैसा, उसने कांटे इकट्ठे करते रहना और वो कांटे फेंकता जाएगा, तो आप उसको ना फूल फेंको, उसको आला अखलाक दिखाओ अपना, वो खुद ब खुद जो है ना वो या तो सीधे रस्ते पे आ जाएगा या साइड पे हो जाएगा। अगर आप कांटे फेंकोगे ना, वो कांटा फेंकेगा, आप भी कांटा फेंकोगे, तो दुनिया कांटों से भर जाएगी। तो बेहतर यही होता है कि वो अगर कांटा फेंके, आप फूल फेंको उससे खुद शर्म सारी हो जाएगी। ठीक है, तू फूल फेंका था, लड़ाई हो गई थी अली की मेरी। अरे अम्मा जी अब हम जरा जाने लगे हैं, थोड़ा सा काम करने लगे हैं, तो अब आप कुछ अल्लाह हाफिज़ कह दें, आपको कामयाब करे, आमीन, राहत दे, अपनी खुशियां दूसरों में भी बांटो, उन्हें खुश रखो, आमीन, इंशाल्लाह। आज भी जिंदगी है इंसान, इसमें अपना नाम रोशन अच्छे लफ्जों में, इंशाल्लाह। तो बाकी यह है कि हम ब्लॉग बनाते रहेंगे, अम्मा भी साथ है हमारे, अली भी साथ है, मैं भी साथ हूँ, और अरूशी और हसन भी हमारे साथ हैं, तो हम साथ मिलके ब्लॉगिंग करेंगे और डेली बेस पे ब्लॉगिंग होगी, और आपको इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा, आप एंजॉय करेंगे हमारी फैमिली को इंशाल्लाह, मुझे यकीन है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और सब्सक्राइब लाजमी करें।